मम्मा, जैसे आप मुझे डांटते और मारते हो, नानी भी आपको ऐसे ही डांटती और मारती थी। मैं जब शरारते करती थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे डंडों से मारती थी। तो एक खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? मैं तो बस पूछ रहा था। मम्मा ने कहा था पैसे जोड़ना सीखो, मैंने जोड़े भी, फिर भी मम्मा ने बहुत मारा। मैंने कहा था पैसे जोड़ना सीखो, ये नहीं कहा था फेविकोल से जोड़ना सीखो। मम्मा, आप ये क्या लगा रहे हो? इसको लगाने से फेस पे ग्लो आ जाता है। मम्मा, आप ये सब लगाते रहते हो ना, तो एक दिन पापा बोल रहे थे काश ऐसी कोई क्रीम होती जिससे तेरी मम्मा ही चेंज हो जाती। आने दे तेरे बाप को, दिखाती हूँ मैं उसे अपना नया रूप। यस, हो गया काम, आज तो खाना बाहर से आएगा। माँ, शादी में जो फेरे होते हैं उसमें चक्कर भी आते हैं। नहीं बेटा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं आते, फिर सारी जिंदगी चक्कर आते हैं। फिर तो मैं नहीं करवाऊंगा शादी। मम्मा, इंसान के शरीर के अंदर एक दिल होता है या दो दिल? एक ही होता है। पर मेरे अंदर दो दिल है। कैसे? क्योंकि एक दिल करता है मैं बर्गर खाऊं, एक दिल करता है मैं पिज्जा खाऊं। एक दिल छित्तर खाने को नहीं करता। बेटा एक क्वेश्चन पूछू? पूछो। मान लो समुद्र में एक जहाज है और तुम उस जहाज में हो और जहाज डूबने वाला है, तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? मैं मान नहीं छोड़ दूंगा। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। इन पंक्तियों में प्रेमी ने प्रेमिका का चेहरा बिना मेकअप के देख लिया, इसलिए वो अब इसको भूल नहीं सकता। मैं गाना गा रही आज तो बाहर लू बहुत पड़ रही है। तो तू अंदर बैठ के पढ़ ले, तेरे नंबर लू से ज्यादा आने चाहिए। मैं गर्मी की बात कर रहा था। मेरे बाबू ने ताना ताया। तेरे बाबू ने ताना नहीं खाया, चार पांच बेलन खाए हैं। और तोतली जूनियर और सीनियर का अर्थ बताओ। जो चिड़िया घर के पास रहते हैं उसे जूनियर कहते हैं, और जो समुंदर के पास रहते हैं उसे सीनियर कहते हैं। मम्मा, मैंने सुना पापा आपको आपके एनिवर्सरी पे ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। क्या? फ्लैट। फ्लैट? अरे मुझे चक्कर आने लगा। मम्मा मेरी बात तो सुनो। क्या? फ्लैट चप्पल। बेटा कल जो तूने फिल्म देखी थी उसमें कैसे दिखा रहे थे कि वो हीरो अपनी माँ की कितनी अच्छे से सेवा कर रहा था, तू भी ऐसी सेवा किया कर। उनको तो सेवा करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, और मुझे जो पैसे रिश्तेदार देके जाते हैं आप वो भी रख लेते हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर औरतें घर की लक्ष्मी है तो वो सारा दिन पैसे क्यों मांगती है? ये नहीं हो गया।